नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि काफी सारे साइट्स के ऊपर उड़न की पानी पट्टी लगाते हैं या फिर प्यू फोम की पानी पट्टी लगाते हैं, काफी सारे अलग अलग टाइप की पानी पट्टी लगाते हैं। तो आज हम एक ऐसी स्टोन कोटेड शीट की जो साइट की है उसके ऊपर वहाँ पे उड़न जो पानी पट्टी है वो लगाने जा रहे हैं। तो फिर चलते हैं हम डायरेक्टली साइट पे। यहाँ पे एक जगह पे हमें एक गजेबो बनाना था, तो फिर उसमें उस गजेबो में जो पानी पट्टी लगानी है वो उड़न की पानी पट्टी लगानी है। तो फिर वो जो उड़न की पानी पट्टी लगानी है वो तो हमने बना के लेके आए और उसके हाइट अराउंड 9 इंच के आसपास है। आप देख सकते हैं काफी बड़े और बहुत खूबसूरत हो गए। उसको पॉलिश भी किया गया है और दिखने में तो बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। ये जो कॉर्नर पीस है उसको पहले होल बना के ले लेंगे। उसके लिए जो बीट लगता है आप देखते हैं 5 mm का मेटल को होल बनाने वाला बीट लगेगा। उसी से पानी पट्टी जो है उसको भी होल बना के ले लेंगे। ये देख सकते हैं काफी बढ़िया और बहुत खूबसूरत बन गई है पानी पट्टी। ये प्योर उड़न की है, साग की है, देख सकते हैं। उसकी जो लेंथ अगर हम देखते हैं तो करीब 9 इंच के आसपास पहुंच जाएंगे। ये देखिए तो काफी बढ़िया और बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है ये। पहले हम इसको होल बना के ले लेंगे ताकि सेल्फ टैपिंग जब भी हम स्क्रू उसमें लगाएंगे तो फिर स्क्रू फंसने के कोई चांसेस रहेंगे नहीं। देखिए बिल्कुल कुछ इस तरीके से हमें स्क्रू करके लेना है, पहले सॉरी होल बना के लेना है। ये होल थोड़ा सा फ्री रहेगा तो फिर इसमें अभी हम जब स्क्रू डालेंगे सेल्फ टैपिंग स्क्रू लगाएंगे, ये देखिए ये इजीली जाएगा। ये सेल्फ टैपिंग जो स्क्रू रहेगा वो करीब 2 इंच लेंथ वाला रहेगा सेल्फ टैपिंग और स्टार हेड रहेगा। और ये जो बीट है वो स्टार बीट है जिसकी वजह से हम इजीली स्क्रू को कस सकते हैं। पहले तो हमें ये जो कॉर्नर वाले पीसेस है उसको लगा के लेना है, ये देख सकते हैं। और उसके लिए जो स्क्रू लगेगा वो 2 इंच वाला ही स्क्रू लगेगा। रात में जो पानी पट्टी है उसको भी सेम ही स्क्रू लगेगा और ये भी अभी लगाना चालू हो गया है। आप देख सकते हैं काफी इजी है। नीचे थोड़ा स्कैफोल्डिंग बना के लिया है और ऊपर उसको अभी लगाना काम चालू हो गया है। ये देखिए कुछ इसी तरीके से लगेगा, देख सकते हैं। दूसरे साइड का भी कॉर्नर पीस लगा के लिया है। अभी ये जो कॉर्नर पीस है इसके और जो पानी पट्टी लगाई है उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, ये देख सकते हैं ये डिस्टेंस। इसमें जितना पीस लगने वाला है बिल्कुल उतना ही पीस यहाँ पे अभी हम काट के ले लेंगे। जो लकड़ी कटिंग करने वाला जो ब्लेड रहता है बिल्कुल उससे ये हम काट सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसी को हम डायरेक्टली यहाँ पे अभी इंस्टॉल भी कर देंगे। ये देखिए काफी बढ़िया और बहुत खूबसूरत हो गया है, पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से कटिंग किया है और कहाँ पे कंटिन्यू किया है। ये देख सकते हैं उड़न पाटी पानी पट्टी काफी जगह पे अभी लगा के भी हो गए, काफी खूबसूरत और बहुत बढ़िया तरीके का दिख रहा है ये, ये देख सकते हैं। लकड़ी की पानी पट्टी होने के कारण उसकी जो ब्यूटी है वो काफी बढ़िया आई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी खूबसूरत भी दिख रही है। अभी थोड़ी सी धूप है यहाँ पे तो शायद इसमें से दिखना थोड़ा सा मुश्किल भी जा रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस, ये देख सकते हैं लगाने के बाद बिल्कुल कुछ इस तरीके से और बहुत खूबसूरत दिख रही है। तो यही एक ब्यूटी है जो लकड़ी की अगर हम पानी पट्टी लगाते हैं तो, और काफी बढ़िया बहुत खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। लकड़ी की जो हमने थिकनेस ली थी वो करीब 1.25 इंच थी और लेंथ थी 4-4 फीट के पीसेस लिए थे और उसके ऊपर ही हमने वो पूरा वर्क करके ले लिया था। ये वीडियो था उड़न पानी पट्टी इंस्टॉलेशन के बारे में। आपको कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोज आपको हमसे मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपी के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड।